रामायण ऐसा महाकाव्य जो शायद आप सबने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो शायद आप नहीं जानते। आज रामायण के रहस्यों पर ही बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सोशल। भगवान राम और माँ सीता की कहानी जिस महाकाव्य में है उसे रामायण कहा जाता है। रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की कहानी है जिसकी रचना आदि कवि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, जिसमें भगवान राम को जिस दिन राज सिंहासन मिलने वाला था उसे वनवास का आदेश दिया गया, जिसके साथ में माता सीता और लक्ष्मण भी जाते हैं। वहाँ सीता माता को लंकापति रावण ले जाता है। भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर उसे हराकर सीता माता को घर लाते हैं। रामायण के बारे में ये तो आपने पढ़ा होगा, इसमें बहुत से रहस्य भी हैं। आज मुख्य रूप से तीन रहस्यों की चर्चा करते हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, वहीं वाल्मीकि की रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। अगर हम बात करें कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ था, तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। आपने सुना होगा कि राम के 3 भाई और थे, लेकिन आपको बता दें राजा दशरथ को एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। वो चारों भाइयों में सबसे बड़ी थी तथा उनकी माता का नाम कौशल्या था। ऐसा बताया जाता है कि अंक देश के राजा रोमपद और उसकी रानी वर्षणी को कोई संतान नहीं थी। जब राजा दशरथ को यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पुत्री शांता को रोमपद और रानी वर्षणी को गोद दे दिया था। उसके बाद उन्होंने ही शांता के माता पिता होने के सारे कर्तव्य निभाए। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का भ्रातृ प्रेम तो आप जानते ही होंगे, जो अपने भाई के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास में गया। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम और भाभी सीता की रक्षा के लिए कभी नहीं सोते थे, इसी कारण उनका नाम गुदाकेश रखा गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।